हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। आज हम प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए हैं। इस प्रार्थना को पूरी सुने और लास्ट तक सुने। जो भी समस्या है, सारी समस्या को प्रभु यीशु मसीह से बताएंगे, ठीक है। सारी जरूरतों को परमेश्वर पूरे करेगा, ठीक है। बस हमें परमेश्वर की नजरों के सामने निष्कलंक बने रहना, धर्मी बने रहना, पवित्रता का जीवन बिताना है, ठीक है। पाप नहीं करना है, क्योंकि जब पाप हमारे जीवन में रहता है तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है, ठीक है भैया। तो प्रार्थना को लास्ट तक सुने और इस प्रार्थना को आमीन बोलकर रिसीव जरूर करें, ठीक है भैया। जब आमीन बोलते हैं तो प्रार्थना पूरी हो जाती है और परमेश्वर के पास पहुंच जाती है और परमेश्वर अपने हिसाब किताब से उसका उत्तर दे देता है, ठीक है भैया। तो चलिए हम प्रार्थना को शुरू करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं पिता इस सुंदर रात के लिए पिता, जो हमें उपस्थित किया पिता, पूरा दिन जिंदा रखा, जीवित रखा, संभाल कर रखा मेरे खुदा। इसके लिए पिता आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता। हमारे हृदय में ये दिल में ये वास करें मेरे खुदा बने यीशु मसीह, क्योंकि पिता आपका वचन कहता है मेरे खुदा, जो तुम मेरे नाम से प्रार्थना में मांगोगे वही मैं करूँगा। यस मेरे खुदा, यस मेरे लॉर्ड, मेरे जीजस, हालेलुया। पिता हम आपके सामर्थ्य नाम से मांगते हैं पिता। जो भी पिता इन भाई बहनों के घर में दिक्कत परेशानी पिता, तंगी में, परेशानी में, गरीबी में मेरे खुदा, इन्हें आजाद करें मेरे खुदा। आपकी पवित्र पाक रूह छू ले मेरे खुदा, आपकी पवित्र पाक रूह छू ले इसी वक्त यीशु नासरी के नाम से मेरे खुदा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, प्रभु जी आप बहुत महान है, दयालु परमेश्वर है, करुणा निधि परमेश्वर है पिता। हमारे सभी पापों को, गुनाहों को क्षमा करने वाले परमेश्वर आप हैं प्रभु जी। इनके सारे आंसुओं को पोछ डालिए मेरे राजा, इनके सारे आंसुओं को पोछ डालिए मेरे खुदा, क्योंकि पिता सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे खुदा आपके पीछे आए हैं मेरे राजा। इनके सारे आंसुओं को पोछ डाल मेरे खुदा, उन्हें एक नया जीवन दे पिता, एक नया जीवन दे पिता, क्योंकि इनकी अगुवाई रक्षा करने वाले आप है पिता। इनका जीवन आप संभालिए मेरे खुदा, क्योंकि आपके सिवाय इनका कोई नहीं है मेरे खुदा। इनकी मदद करें, सहायता करें मेरे राजा। धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद मेरे स्वामी, पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं पिता इस सुंदर रात के लिए पिता। जो मसीह भवन सो नहीं पाते हैं, डर लगता है, भय लगता है मेरे खुदा, हम आपके सामर्थ्य नाम से उन अंधकार की शक्तियों को डांटते हैं यीशु नासरी के नाम से, कैंसिल आउट कर देते हैं यीशु के नाम से, कैंसिल आउट कर देते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता। जो भी पिता भाई बहनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है पिता, ये लड़ाई झगड़ा शैतान उत्पन्न कराता है। इन सारे अंधकार की शक्तियों को यीशु मसीह, हम आपके सामर्थ्य नाम से इन्हें कैंसिल करते हैं, खंडित कर देते हैं, विफल कर देते हैं यीशु के नाम से पिता। क्योंकि पिता आपका वचन कहता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा। यस मेरे खुदा, हम आपके सामर्थ्य नाम से, आपके बहुबल नाम से, आपके पवित्र नाम से मांग लेते हैं मेरे खुदा। इन भाई बहनों के बीच में जो लड़ाई झगड़ा होता है मेरे खुदा, दूर करें मेरे राजा, दूर करें पिता, क्योंकि आपके सिवाय का कोई नहीं है मेरे खुदा। ये सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे खुदा आपके पीछे आए हैं मेरे खुदा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता, पापों को क्षमा करने वाले परमेश्वर आप हैं प्रभु जी, आप हैं पिता। इनके सारे पापों को, सारे गुनाहों को क्षमा करें पिता, कृपया क्षमा दान करें यीशु मसीह, क्षमा कर दीजिए पिता। कि ये नादान बच्चे हैं पिता, इनसे पाप हो जाते हैं पिता। और पिता जो सेक्स वीडियो देखते हैं, हस्त मैथुन करते हैं मेरे खुदा, ये गंदी लतें नहीं छोड़ती है मेरे खुदा, मगर आपसे मेरे खुदा सब कुछ हो सकता है मेरे खुदा। आपके सामर्थ्य नाम से मेरे राजा, ये गंदी लतें छूट जाए यीशु के नाम से पिता, छूट जाए पिता, क्योंकि पिता आपका वचन कहता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा। यस मेरे खुदा, आपका वचन कहता है, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खड़खड़ाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यस मेरे खुदा, हम आपके सामर्थ्य नाम से, आपके बहुबल नाम से, आपके पवित्र नाम से मांगते हैं मेरे खुदा। इनके गंदी लते छूट जाए पिता, और पिता ये इनको अपना बेटा और बेटी स्वीकार करें मेरे खुदा, क्योंकि आपके सिवाय, आपके अलावा इनका कोई नहीं है मेरे खुदा, कोई नहीं है पिता। जो हॉस्पिटल में बीमार पड़े हैं मेरे राजा, उनको चंगाई शिफा दीजिए पिता। आपके पवित्र लहू के बाड़े में कबर कर देते हैं मेरे राजा, क्योंकि आपके लहू में चंगाई छुटकारा है मेरे खुदा। उसी चंगाई छुटकारा को मांग लेते हैं यीशु के नाम से, मांग लेते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता, और रिसीव करें आमीन बोलकर इसी क्षण, रिसीव करें इसी क्षण आमीन बोलकर, यीशु के सामर्थ्य नाम से, यीशु के सामर्थ्य नाम से।
हालेलुया हालेलुया पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा धन्यवाद यीशु पिता जो हमें उपस्थित किया है, हम सभी मसीह भाइयों को उपस्थित किया पिता, इनके सारी जरूरतों को, सारी इच्छाओं को, सारी समस्याओं को पिता दूर करे और इनकी सारी इच्छाओं को पूरी करे मेरे खुदा, सारी इच्छाओं को पूरी करे पिता। जो भी पिता आपसे प्रार्थना में मांगते हैं मेरे खुदा, इन्हें दीजिए मेरे खुदा, इन्हें लज्जित ना होने दे पिता, क्योंकि सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे खुदावंद यीशु मसीह आपके पीछे आए हैं पिता। कृपया करके इनका जीवन चलाइए पिता, इनकी स्वर्ग से सहायता करें पिता। जो भी पास्टर प्रचारक पिता दूर दूर गए हैं, प्रचार करने गए हैं, सुसमाचार सुनाने गए हैं, जो आपके दास हैं पिता छोटे मोटे कलीसियाओं में पिता, उनके आने जाने में सहायता करें मेरे राजा, उनके आने जाने में सहायता करें मेरे खुदा, क्योंकि पिता आपका वचन कहता है जहाँ कहीं तू जाएगा मेरा वचन तेरे पांव का दीपक है। यस मेरे खुदा, उसी वचन के अधिकार को मांग लेते हैं मेरे खुदा। इनकी दूत के द्वारा सहायता करें, दूत के द्वारा इनकी मदद करें, अगवा करें, रक्षा करें पिता। जो पिता हॉस्पिटल में बीमार पड़े हैं, एडमिट पड़े हैं पिता, और इसी छड़ यीशु के सामर्थ्य नाम से इसी छड़ ठीक हो जाएं, वो चंगाई से पर रिलीज करने पाएं यीशु के नाम से पिता, रिलीज करने पाएं यीशु के सामर्थ्य नाम से पिता। जो पिता जिनके मुंह में दिक्कत है, छाले हैं या फुंसी या कुछ भी दिक्कत है मेरे खुदा, हम नहीं जानते हैं मेरे खुदा किस वजह से यह सब हुआ है पिता, क्योंकि आप डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, वेदों के वेद हैं मेरे यहोवा जो लवर परमेश्वर, आपसे सब कुछ हो सकता है मेरे खुदा, सब कुछ हो सकता है। इनकी छोटी सी बीमारी को पिता दूर करे पिता, क्योंकि पिता आपके लिए सब कुछ कार्य संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है पिता, क्योंकि सारी सृष्टि को बनाने ले परमेश्वर आप हैं, सृष्टिकर्ता परमेश्वर आप हैं पिता। सारे गुनाहों को पापा को क्षमा करने का अधिकार सिर्फ यीशु मसीह आपको दिया गया है, आपको दिया गया है पिता, आपको दिया गया है पिता। इनके सारे पापों को माफ करें, कृपया करके क्षमा दान करें मेरे राजा, क्योंकि पिता महान परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है पिता। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करें मेरे खुदा, क्योंकि पिता हम आपका जितना भी धन्यवाद करें उतना ही कम है मेरे खुदा, क्योंकि आप महिमा के योग्य हैं, दया के योग्य हैं, महिमा करने के योग्य हैं, स्तुति करने के योग्य हैं, बड़ाई करने के योग्य हैं, तारीफ करने के योग्य हैं, जय जयकार करने के योग्य हैं मेरे खुदा। जितना भी धन्यवाद करें उतना ही कम है मेरे खुदा। धन्यवाद यीशु पवित्र पवित्र परमेश्वर सेनाओं के यहोवा सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता। जो भी मसीह भवन पिता बुरी संगत में है मेरे खुदा, वो इस संगत से, बुरे संगत से बाहर निकलने पाए मेरे खुदा, उनका जीवन बर्बाद ना होने पाए, उनका जीवन संभाल लीजिए मेरे धन्यवाद मेरे राजा मेरे खुदा पिता। सारी समस्याओं को दूर करने वाले पिता आप हैं, जिनके घर में शैतानी कब्जा बंधा पड़ा हुआ है, वो शैतानी कब्जा हटाकर यीशु के नाम से पवित्र दूतों का बाड़ा बांध देते हैं यीशु का नाम से, यीशु के नाम से वो शैतानी बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। जिनके अंदर दुष्ट आत्मा है यीशु नासिर के नाम से हील हो जाओ, आमीन बोलकर इसी वक्त यीशु के नाम से वो चंगाई से बाहर रिलीज करो यीशु के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में लहू में चंगाई है, छुटकारा है, वही चंगाई छुटकारा को मांग लेते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से, यीशु के जलाली नाम से, यीशु मसीह के बहुबल नाम से, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे खुदा पिता। जो भी समस्या, सारी समस्या को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आप दूर करें पिता, क्योंकि आपके नाम से शैतानी दुष्ट आत्माएं कांपती और थरथराती और कौसो दूर भागते हैं मेरे खुदा। अपने दूतों को आज्ञा दे पिता, इनके घर के चारों ओर तरफ पिता बाड़ा बांधे, दूत का बाड़ा बांधे पिता, ताकि शैतान की कोई चलता ना चलने पाए, कोई भी चलता ना चलने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, आपके बहुबल नाम से, आपके पवित्र नाम से मेरे खुदा। मुझे आशा है, विश्वास है पिता कि आपने मेरी प्रार्थना को सुना है पिता, और इन सभी मसीह भाइयों की समस्याओं को, दिक्कत को पिता आपने दूर किया है, और पिता इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इस छोटी सी दुआ को पिता आपके सामर्थ्य नाम से मांग लेते हैं, आमीन।